Now, uh, exercise one point two, class eleventh, uh, chapter set theory, chapter one. So we in our previous video we have already studied about uh, definition of set, uh, representation of set uh, in roster form and set builder form. Now in uh, exercise one point two, there are four uh, important topics. That is. Uh, चार चीज़ें हैं इसके अंदर एक तो एम्पटी सेट है फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट वन पॉइंट टू के अंदर फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट एम्प सेट जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं और इक्वल सेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पटी सेट एम्प का मतलब क्या होता है खाली सेट हैविंग नो एलिमेंट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं एम सेट ठीक है सेट हैविंग नो एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम सेट बोलते हैं खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वर्ड सेट इसको नल सेट भी बोलते हैं या फिर वर्ड सेट भी बोल लो ठीक है एम का मतलब क्या होता है खाली इट इज़ डिनोटेड बाय या तो खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर ये सिंबल होता है एम सेट का जिसको हम फाइव बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है फाइव पी एच ए आई फाइव ठीक है एम सेट को या तो हम खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर फाइ से डिनोट करते हैं ठीक है एग्जाम्पल ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय टू ऐसा कोई ऑड नंबर है जो दो से डिवाइड होता है कोई भी नंबर नहीं है ना ऐसा जो दो से ऑड नंबर तो पहली बात इवन नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं और नंबर जो होते हैं वो टू से डिवाइड नहीं होते हैं ना तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तो इट इज़ अ नल सेट जैसे हम एम टी सेट बोलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल एक्स एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन फाइव एंड एक्स ग्रेटर देन सेवन कोई ऐसा नंबर जो पाँच से छोटा हो और वो सात से बड़ा हो है कोई नंबर ऐसा नहीं है ना जो पाँच से छोटा होगा वो सात से कैसे बड़ा हो जाएगा नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है तो इट इज़ अ एम्प सेट नल सेट है वाई वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरल लाइन्स कभी भी देखा होगा आपने कभी भी दो लाइनें जो होती हैं पैरलर वो कभी भी उसका कॉमन पॉइंट आता है क्या कभी नहीं आता ना नेवर वाई वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरलर लाइन्स दो पैरल लाइन्स के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं आता नेवर ठीक so है सो इट इज़ इम्पॉसिबल सेट है एम्पटी सेट बोलेंगे इसको कोई भी सेट इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा ठीक है तो डिस इज डिनोटेड बाय आइदर फाई और एमपटी सेट को कैसे डिनोट करते हैं या तो फाई से या फिर खाली ब्रैकेट से क्लियर है तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके फाइनाइट एमपटी सेट वो होता है जो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता खाली सेट हैविंग नो एलिमेंट खाली ब्रैकेट से डिनोट कर लो या फाई अब आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट फ़ाइनाइट सेट का मतलब होता है सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं जैसे इसका एग्ज़ाम्पल ले लो सेट मंथ ऑफ ईयर साल में बारह महीने होते हैं काउंट कर सकते हैं तो ये फ़ाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है वन टू थ्री फोर फाइव अप टू नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन तक है फ़ाइनाइट सेट है सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट छब्बीस लेटर होते हैं काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट है सेट ऑफ बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बॉबल्स कितने होते हैं ए ई आई ओ यू ये हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं ना तो ये फाइनाइट सेट है सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं इन फाइनाइट सेट क्या होता है सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट अनकाउंटेबल का मतलब उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स जनरली उस सेट्स के आगे ऐसे डॉट 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 लिखा होगा जैसे देखो वन टू थ्री है डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगा अनगिनत इनफाइनाइट सेट ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल बहुत होते हैं फाइव है टेन है फिफ्टीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी फाइव है एंड सो ऑन चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक ठीक है डॉट 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 ऐसे दिया होगा सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन एक सर्कल ओरिजन है ये और है रेडियस बड़ा करते जाओ सर्कल बनता जाएगा इनफाइनाइट बनेंगे इनफाइनाइट ठीक है बहुत सारे सर्कल इनगिनत सर्कल बन जाएंगे टू फोर सिक्स एट टेन 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 डॉट 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 ये इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट्स का मतलब होता है अनगिनत एलिमेंट हम उसके सेट्स एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते दैट इज़ इनफाइनाइट सेट्स ठीक है अब आता है इक्वल सेट ये इंपॉर्टेंट है टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम ठीक है सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों के अंदर और नंबर भी सेम होना चाहिए जैसे अगर पहले में चार एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी चार एलिमेंट होंगे और वही एग्जैक्ट वही एलिमेंट होंगे जैसे देखो इसका एग्जाम्पल डी सी बी ए सेट ए में एंड सेट बी इसमें ए बी सी डी है ऑर्डर अलग अलग है पहले इसमें डी है इसमें बाद में डी है लेकिन एग्जैक्ट वही एलिमेंट है ना इसमें भी चार एलिमेंट है इसमें भी चार एलिमेंट हैं और एग्जैक्ट वही एलिमेंट है तो उसको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी ठीक है कंडीशन ये होती है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए और नंबर भी दोनों के सेम होने चाहिए अगर पहले में चार एलिमेंट है तो दूसरे में भी चार एलिमेंट एक और एग्जाम्पल लेते हैं वन टू थ्री फोर ए सेट ए है एंड अदर सेट सी है थ्री वन फोर टू देखो सेम एलिमेंट है इसमें भी चार एलिमेंट है इसमें भी चार है और एग्जैक्ट वही एलिमेंट है थ्री पहले दिया हुआ है वन फोर टू ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम है अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन है और यहाँ पर एट फोर सिक्सटीन एटीन एटीन एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें अठारह तो है ही नहीं इसमें पहले वाले में तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी अलग एलिमेंट आ गया ना ठीक है फिर से देखो एक बार फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन है एट फोर सिक्सटीन एट फोर सिक्सटीन तो इसमें भी है एट फोर सिक्सटीन बट इसमें ट्वेल्व है इसमें एटीन है तो तीन एलिमेंट सेम है और इक्वल में क्या होता है सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए ठीक है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू का साइन ये है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी क्लियर है अब वन पॉइंट टू है क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले दो क्वेश्चन तो मैंने सारे एग्जाम्पल में ही करा दिए तुम्हें पहले जो वन पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर वन और टू करोगे ना तो ज़्यादातर जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसमें वही क्वेश्चन है अब इसमें बताना है कि कौन सा फ़ाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस देखो ये एक्स एक्सिस है इसके पैरल तुम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो डिस्टेंस बढ़ाते जो इनफाइनाइट लाइन ड्रा होती जाएंगी तो इनफाइनाइट आएगा सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट टू फोर सिक्स एट टेन है एक्स एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्स लेस देन टेन इसमें बताना है कि इक्वल सेट ये इक्वल है कि नहीं तो देखो ए दिया हुआ है टू फोर सिक्स एट टेन अब एक्स डॉट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉजिटिव इवन होना चाहिए इवन कौन कौन से टू फोर सिक्स एट टेन और दस से छोटा होना चाहिए दस और उसके बराबर दस इक्वल टू का साइन है ना तो दस भी आएगा तो ये दोनों सेम है तो एक्वल टू बी अब देखो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी है इसमें टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अब वो दस का मल्टीपल है ये पंद्रह आ गया ट्वेंटी फाइव आ गया ये तो है ही नहीं इसमें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी अलग अलग एलिमेंट है ना सेम एलिमेंट होना चाहिए इक्वल में ए इज नॉट इक्वल टू बी नेक्स्ट ए टू थ्री है बी दिया हुआ है एक्स एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो देखो फाइव एक्स को मिडल टर्म पे थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिखोगे और जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इसको जीरो के इक्वल रखा तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री तो इसमें माइनस टू माइनस थ्री आ रहा है और यहाँ पे क्या है ये टू और थ्री तो अलग आ रहा है ना ये दोनों तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी क्लियर है अलग आ गया ना ये टू थ्री दिया हुआ था ए और बी आ रहा है माइनस टू माइनस थ्री तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी अब देखो सेकेंड पार्ट इसका फिफ्थ का इसमें फॉलो वर्ड है एफ ओ डबल एल ओ W तो फॉलो जो रिपीट होता है वो एक ही बार आता है F O डबल L है तो एक ही बार आएगा L W और ये उल्फ है दोनों सेम है इसमें भी चार एलिमेंट है इसमें भी चार और एग्जैक्ट वही एलिमेंट है जो पहले वाले में A में है तो एक्वल टू बी सेम एलिमेंट है तो एक्वल टू बी इक्वल सेट में होता क्या है नंबर सेम होने चाहिए दोनों में मतलब पहले में चार एलिमेंट है तो दूसरे में भी चार हो, होने होंगे और एग्जैक्ट वही एलिमेंट होने चाहिए आगे पीछे दे सकते हैं ठीक है पहले वाले में डब्लू अगर लास्ट में तो इसमें डब्लू पहले आ सकता है अगले पहले वाले में एल थर्ड नंबर पे तो इसमें दो सेकंड uh, नंबर पे आ सकता है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है सेम एलिमेंट होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम द सेट गिवन बिलो तुम्हें बताना है इन छः सेट्स में ए गिवन है बी गिवन है सी गिवन है डी गिवन है ई e गिवन है एफ जी और एच ये सेट्स गिवन है हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जो इक्वल है आपस में तो देखो बी और डी आपस में इक्वल है बी में वन टू थ्री फोर है और डी में भी वही है थ्री वन फोर टू दोनों में सेम एलिमेंट है तो बी इक्वल टू डी और ई e और जी इक्वल है ई e में माइनस वन वन है और जी में माइनस वन वन है तो ई e इक्वल टू तो जी ठीक है तो इसमें इतना है वन पॉइंट टू योर वन पॉइंट टू एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीटेड और वन पॉइंट थ्री सबसेट इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सी से सी बना होता है इसमें सबसेट का साइन और अगर हम इस पर क्रॉस लगा दें तो डो नॉट सबसेट ठीक है सबसेट का साइन क्या होता है सी ऐसे और अगर हम इसी पे क्रॉस लगा दें तो इसका मतलब होता है डो नॉट सबसेट सबसेट होता क्या है इधर देखो ध्यान से इसके एग्जाम्पल जैसे ए है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ए के सारे एलिमेंट बी में है ना ठीक है बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है सेवन एट नाइन टेन तो ए के सारे एलिमेंट बी में है इसका मतलब है ए सबसेट है बी का ए क्या है सबसेट बी का और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो बी को बोलते हैं सुपर सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट एक और एग्जाम्पल देखो ए टू फोर सिक्स एट टेन है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है देखो इसमें भी ये टू है फोर है सिक्स इसमें है एट भी है और टेन भी है तो ए के सारे एलिमेंट बी में है इट मीन्स ए सबसेट टू बी ए सबसेट टू बी अब देखो एक और ए है वन थ्री फाइव सेवन नाइन है और बी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है ना नाइन है ही नहीं इसमें बी में तो ए डू नॉट सबसेट ऑफ बी डो नॉट सबसेट का ये साइन है सी पे क्रॉस ए डो नॉट सबसेट ऑफ बी तो सबसेट का मतलब ये होता है ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बी में बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं ठीक है ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बी में और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं बी इज कॉल्ड सुपर सेट बी को क्या बोलते हैं सुपर सेट नाउ वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन इसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है देखो टू थ्री फोर है इसमें भी टू थ्री फोर है तो सबसेट भर दो बीच में ए बी सी है बी सी डी है इसमें ए नहीं है तो डू नॉट सबसेट ऐसे क्रॉस आ गया ठीक है एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इलेवंथ क्लास स्कूल के अंदर ही आती है तो सबसेट आ गया सबसेट का मतलब ये होता है ना कि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए एक्स एक्स इज अ ट्राएंगल इन अ प्लेन एक्स एक्स इज अ रेक्टेंगल ट्राइंगल तीन साइड का होता है रेक्टेंगल चार साइड का होता है तो आ ही नहीं सकता इसमें ये डू नॉट सबसेट एक्स एक्स इज अक्विलेटरल ट्राएंगल एक्स एक्स इज अ ट्राएंगल इक्विलेटरल इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ट्राएंगल का ही पार्ट है ना ये तो ट्राएंगल के अंदर ही आएगा ये सबसेट है एक्स एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एक्स एक्स इज अ सर्कल विथ रेडियस वन यूनिट तो ये डो नॉट सबसेट है क्यों है डो नॉट सबसेट देखो इसने लिखा हुआ एक्स अ सर्कल विद रेडियस वन यूनिट इसमें रेडियस वन यूनिट वाले आएंगे जिसका रेडियस वन हो और ये पहले वाले में दिया हुआ एक्स अ सर्कल इन द प्लेन इसमें सारे रेडियस वन वाले भी टू वाले भी थ्री वाले भी फोर वाले भी फाइव वाले भी तो ये ये इसमें आ सकता है ये इसके अंदर नहीं आ सकता ठीक है तो ये डो नॉट सबसेट है सो वन पॉइंट टू और वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन और टू का लेना वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन और टू एंड आई विल सेंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन ठीक है इस वीडियो में इतना ही है थैंक यू वेरी मच